ऐसा कोई सगा नहीं जिसको केजरीवाल ने। दिल्ली में एमसीडी चुनाव है, जिसको लेकर बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी सभी मैदान में जीत और मेहनत कर रहे हैं। 4 दिसंबर को मतदान है, वही एमसीडी चुनावों को लेकर भाजपा जोर शोर से लगी हुई है। बीजेपी के दिग्गज चुनाव के लिए मैदान में उतरकर जमकर प्रचार कर रहे हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री शिवराज दिल्ली पहुंचे थे, दिल्ली के तमाम वार्डों में प्रचार करने गए थे। इस दौरान उनका एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल को उपाधि से नवाज दिया और कहा कि सभी जानते हैं ऐसा कोई सगा नहीं जिसे केजरीवाल ने ठगा नहीं। सीएम ने केजरीवाल को शिकारी बताकर दिल्ली वासियों से सावधान रहने की अपील की है। क्या कुछ कहा है, देखिए वीडियो। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको केजरीवाल ने। सबसे पहले तो गुरु को ही देखा तो धोखा दे दिया, अपने गुरु को ही खा गए केजरीवाल। बच्चों की झूठी कसम खा जाए केजरीवाल। हमारे विश्वास कुमार विश्वास जैसे मित्रों को धोखा दे जाए केजरीवाल। टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ खड़े होते हैं, जो देश के खिलाफ कार्यवाही करते हैं उनके साथ खड़े होने का पाप करते हैं, जो अरविंद केजरीवाल करते हैं। बहनों और भाइयों, मैं तो हैरान हूं दिल्ली से जैसी खबरें आ रही हैं। आश्चर्य होता है, हमने चाइना के बाल के बारे में सुना होगा, लेकिन ये केजरीवाल नहीं करप्शन बाल बन गए हैं, भ्रष्टाचार की दीवार। और आश्चर्य होता है जब वो बकायदात करते हैं, वो कहते हैं सत्येंद्र जैन को भारत रत्न पुरस्कार दिया जाए, सिसोदिया जी के बारे में वो कहते हैं हाँ रतन तो दिया जाना चाहिए लेकिन भारत रत्न नहीं। इनने दिल्ली की जो हालत की है, जो बदनामी की है, तो केजरीवाल जी को धोखा रतन पुरस्कार देना चाहिए, सिसोदिया जी को शराब रतन, और कुछ मिले ना मिले शराब जरूर मिलेगी दिल्ली, और सत्येंद्र जैन को घोटाला और मसाज रतन। इनके व्यक्ति है हमापुरा हमान खंड रतन, और एक विधायक है ताहिर हुसैन को है गंगा रतन। ये काम भारत रत्न की बात करते हैं। रैली के दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ भी की। कुल मिलाकर उन्होंने तमाम मुद्दे उठाए जिस पर वो केजरीवाल को घेरते नजर आए, और उन्होंने लोगों से बीजेपी को वोट देने की अपील करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने दुनिया में बहुत सम्मान अर्जित किया है। शिवराज हर वार्ड में जाकर बीजेपी एमसीडी चुनाव में बीजेपी को लेकर प्रचार कर रहे थे, वही उन्होंने अपने भाषण से लोगों का दिल भी जीत लिया। वीके न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, दिल बोलेगा देश सुनेगा।